मॉर्निंग स्टूडेंट्स टू फिफ्थ क्लास बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पार्ट 7 जिसका नाम है कारक। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कारक क्या होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं और वाक्य में हम कारक का किस किस प्रकार से उपयोग करते हैं। तो आइए पहले हम जानते हैं कारक क्या होता है। परिभाषा के माध्यम से हम जानेंगे कारक किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम यानी किसी का नाम, किसी कोई जगह या कोई स्थान हो सकता है। ये सर्वनाम क्या होते हैं, इनकी संज्ञा के स्थान में जो हम शब्द प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। यानी संज्ञा सर्वनाम के जिस भी रूप से हमें उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ पता चलता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। तो कारक हमारे कौन से हैं, हम देखते हैं। जैसे रवि ने पेंसिल से सुंदर चित्र बनाया, तो इसमें क्या हो जाएगा, रवि ने किससे बनाया, पेंसिल से। यानी रवि का पेंसिल से संबंध किसने बताया, ने, तो ये हमारा क्या है, कारक चिन्ह है। इसके बाद पेंसिल से सुंदर चित्र बनाया, पेंसिल के माध्यम से बनाया, तो ये से हमारा क्या है, कारक चिन्ह है, पेंसिल से सुंदर चित्र बनाया। इसके बाद आते हैं कारक के भेद। कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के हमारे 8 प्रकार के होते हैं कारक। पहला होता है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कितने होते हैं हमारे, 8 भेद होते हैं, आपको ये बताया गया मैंने अभी आपको, 8 भेद होते हैं हमारे कारक के, कितने 8 भेद होते हैं। और कारक चिन्ह का प्रयोग करते समय वाक्य का रूप परिवर्तित हो जाता है। ये सभी को पता होना चाहिए कि जब हम किसी वाक्य में कारक का चिन्ह का उपयोग करेंगे, किसी भी वाक्य में साधारण वाक्य, अगर हम किसी वाक्य के साथ दूसरे शब्द का या चिन्ह का उपयोग करते हैं तो क्या हो जाता है, वाक्य परिवर्तित हो जाएगा। यानी वाक्य पहले जैसा नहीं रहेगा। साधारण वाक्य जब हम कारक का उपयोग करेंगे या संज्ञा या सर्वनाम जब हम संबंध किसी अन्य वाक्य से जोड़ेंगे तो आपको पता है कि कारक में परिवर्तन यानी वाक्य में परिवर्तन आ जाएगा कारक के माध्यम से। तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे वाक्य का परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम उदाहरण से समझेंगे कैसे परिवर्तित हो जाते हैं। माँ खाना खा रही है, यह हमारा एक साधारण वाक्य है। क्या दिया गया इसे, माँ खाना खा रही है। इसमें किसी भी कारक चिन्ह का उपयोग नहीं किया गया। इसके बाद इसको जब कारक चिन्ह के माध्यम से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, माँ ने खाना खाया या माँ ने खाना खाया, तो आपको पता है माँ के जो ने है ये क्या है, कारक चिन्ह है। किसने खाया खाना, माँ ने खाना खाया। इसके बाद है माँ को खाना खिलाओ, ये क्या है हमारा, इसमें क्या बोला जा रहा है, माँ को खाना खिलाओ। तो ये को हमारा क्या है, कारक चिन्ह है, क्योंकि इसमें ये जो हमारे शब्द होते हैं ने और को, ये क्या है, हमारे संबंध बता रहे हैं खाना का माँ से, यानी माँ को खाना खिलाओ या माँ ने खाना खाया। इसके बाद हमारा चौथा वाक्य क्या है, माँ के लिए खाना लाओ, क्या है, माँ के लिए खाना खिलाओ। तो इसमें क्या है, के लिए जो हमारा वो क्या है, कारक चिन्ह है। तो क्या है, आपने अभी पढ़ा, अभी मैंने आपको समझाया कारक क्या होते हैं। संज्ञा सर्वनाम की जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है वो हमारे कारक होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कारक के प्रकार, आपको मैंने बताया कारक के 8 प्रकार होते हैं। उसके बाद हमने जो पढ़ा कारक के चिन्ह का प्रयोग करते समय क्या हो जाता है, वाक्य का रूप बदल जाता है। और अब मैंने आपको बताया ये उदाहरण, तो आपकी बुक में और भी इनके उदाहरण दिए गए हैं, आप उनको अच्छे से रिवाइज करोगे। मैंने जहाँ तक ये टॉपिक पढ़ाया है आप उसको रिवाइज करोगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो आपको ये कारक चिन्ह की जो सारणी है वो आपको समझाऊंगी, जिसमें क्या होता है कि कारक और उनके चिन्हों के बारे में बताया गया, जिसके माध्यम से आप ये पहचान सकते हो कि वाक्य में कारक का उपयोग किस प्रकार करते हैं और कौन से कारक का कौन सा चिन्ह होता है। तो बच्चे ये चैप्टर हमारा भी याद है, इसके आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो पढ़ाऊंगी आप आगे का चैप्टर, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।